हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों के सामने खड़ी हुई है ब्रांड न्यू रॉयल इनफील्ड की इंटरसेप्टर 650, जो कि इंडियन मार्केट की एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर बाइक है। इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और कहीं ना कहीं दोस्तों मेरे हिसाब से इसे इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि ये कम प्राइस में आपको एक 650 cc इंजन प्रोवाइड कर रहा है। इस सीसी में, इस पावर में, इस मस्कुलर बाइक में इतनी कम प्राइस में आपको कोई और ब्रांड नहीं देता, तो इस वजह से भी इस बाइक को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस बाइक के बारे में कंप्लीट बात करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं इंटरसेप्टर 650 के बारे में। अगर चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में, आपको ये क्या प्राइस देखने को मिलती है। ऑब्वियसली बात है भाई, कोई भी चीज़ अगर लेने की सोच रहे हैं, लेने वाले हैं, तो सबसे पहले अपने बजट के बारे में सोचते हैं कि भाई जेब में पैसे कितने हैं। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये है जो आपको है एक्सरूम प्राइस अराउंड 3,21,000, 2,21,000 रुपये के आसपास की जो आपको ये एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात कर ले इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि हर एक स्टेट के आरटीओ एंड इंश्योरेंस चार्जेस में फ़र्क होता है। ये बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में ऑन रोड प्राइस अराउंड 3,74,000 से 73,000 रुपीज़ के अराउंड आपको ये ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। बाकी आप लोगों के सिटी एंड स्टेट में इसका क्या ऑन रोड प्राइस अगर आपको पता हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए रिव्यू में आते हैं, सबसे पहले देखते हैं फ्रंट। फ्रंट में आप देख पा रहे हैं कि बाइक में आपको फुली जो LED लाइट है वो आपको इस बाइक पे देखने को मिल जाती है। राउंड शेप में दी गई है, काफ़ी अच्छी लगती है। और रॉयल एनफील्ड लोगों ने LED लाइट दी तो वो बेटर ऑप्शन है, नहीं तो भाई ये लोग कभी देते ही नहीं है। आप हंटर उठा लो, क्लासिक उठा लो, सब में आपको हेलोजन मिलेगा, बट इसमें फाइनली इन्होंने LED दी है। और सुपर मीटियोर में भी LED दिया गया, दोनों की लाइट बिल्कुल सिमिलर है, कोई फर्क नहीं है। ये इसकी DRL लाइट जल रही है अभी, ठीक है, मेन लाइट जो है वो ऑन होने के बाद ही चलने वाली है। और टर्न सिग्नल लाइट जो आपको यहाँ पे बल्ब देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। लुकिंग वाइज अच्छे लग रहे हैं, बट LED होते तो और ज़्यादा बेटर हो सकते थे। बात करें फ्रंट सस्पेंशन के बारे में, तो सस्पेंशन तो आपको इसमें नॉर्मल टेलीस्कोपिक देखने को मिल रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि भाई आई थिंक इसमें USG होना था। बट सस्पेंशन क्वालिटी आपको बहुत प्रीमियम मिलेगी, रॉयल इनफील्ड की बाइक है भाई, सस्पेंशन क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने वाला। बात कर ले टायर साइज के बारे में, फ्रंट में आपको बाइक में 190/90 की जो टायर साइज है वो आपको इसमें फ्रंट में देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं इसके ब्रेकिंग के बारे में। ब्रेकिंग में दोस्तों इस बाइक में आपको स्पेशल फीचर में डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, जो EBS है, जो कि डुअल चैनल EBS के साथ में आती है। और प्लेट साइज बहुत बड़ी है, ये 320 mm के आसपास की जो प्लेट साइज है आपको बाइक में फ्रंट में देखने को मिल जाती है। चलिए बात कर लेते हैं अब इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों बताना चाहूँगा, इंजन टाइप में ना ये बहुत ज़्यादा यूज़ है, एक बड़ा सा इंजन है। इसमें आपको 647.9 cc का एयर कूल इनलाइन 2 सिलेंडर 4-स्ट्रोक SOC जो इंजन है वो आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। मतलब भाई पार्लल ट्विन इंजन भी हम जिसे कहते हैं, जो कि डुअल सिलेंडर इंजन है, तो भाई इसकी जो टॉप एंड परफॉर्मेंस होती है ना वो आपको काफ़ी तगड़ी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे ये परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा निकाल कर देती है। बात करें पावर एंड टॉर्क के बारे में, ये मैक्सिमम पावर में अराउंड 46.8 के आसपास की PS पावर जनरेट करती है एंड मैक्सिमम टॉर्क में अराउंड 52.3 के आसपास का जो इंटरमीटेंट टॉर्क है वो आपको इस बाइक पर देखने को मिल जाता है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों इंटरसेप्टर 650 में पावर एंड टॉर्क आपको कितनी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और इस प्राइस टैग में भाई मानना पड़ेगा काफ़ी अच्छी तरीके से जो है क्वालिटी, यहाँ पे जो इंजन क्वालिटी है वो कंपनी ने आपको प्रोवाइड की है। और भाई रॉयल एनफील्ड का इंजन है तो ये लोग इंजन से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इंजन क्वालिटी आपको यहाँ पर बहुत अच्छी मिलेगी। कूलिंग सिस्टम में बाइक में आपको एयर एंड ऑयल कूल जो इंजन है वो आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो बाइक है नॉर्मल 6 गियर के साथ में आती है। बाइक की बोर साइज अराउंड 68 mm की है, स्ट्रोक साइज अराउंड 67.8 mm के आसपास का मिल जाता है, ठीक है। साथ में बाइक में आपको नॉर्मली जो बाइक में है आपको क्लच देखने को मिल जाते हैं। तो ये था दोस्तों इस बाइक का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। जैसे आप लोगों ने देखा है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी यूज था जो इंजन है वो तो यहाँ पे यूज़ किया गया है। एंड जो बाइक की जो परफॉर्मेंस है भाई वो आपको बहुत तगड़ी देखने को मिलेगी। इंजन का साइज़ बड़ा है तो परफॉर्मेंस तो मिलेगी ही मिलेगी। बात कर लेते हैं इसकी माइलेज इन टॉप स्पीड के बारे में। दोस्तों माइलेज में ये बाइक आपको अराउंड 25 के आसपास का जो माइलेज है इसलिए आपको निकाल कर
दे देती है। 0 to 100 में इस बाइक को लगभग 6 सेकंड के आसपास के लगते हैं एंड टॉप स्पीड अराउंड 170 किलोमीटर पर आवर के आसपास की जो टॉप स्पीड है वो आपको इस बाइक की देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं रियर की तरफ। सबसे पहले देख पा रहे हैं रियर में आपको यहाँ पे कितने प्रीमियम सस्पेंशन दिए, जो कि भाई आपको डुअल एब्जॉर्बर सस्पेंशन यहाँ पे मिल रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। सस्पेंशन क्वालिटी सुपर है और ये एडजस्टेबल सस्पेंशन है, आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंटरसेप्टर 650 की ब्रांडिंग मिल रही है। ठीक है, रियर में आपको बाइक में 130/70 की जो टायर साइज है वो आपको रियर में देखने को मिले हैं, जो मुझे थोड़े से यार पतले लगे। आई थिंक ये जो टायर साइज आई थिंक इसके थोड़े बड़े होने थे ये थे। बाकी देख पा रहे दोस्तों ये इसका एग्जॉस्ट है, जो कि दो आपको यूज एग्जॉस्ट मिलते हैं 1 and 2, जो कि पैरेलल ट्विन है, दो सिलेंडर आता है। इसकी टेल लाइट है एंड रियर में आपको 240 mm की जो डिस्क प्लेट है वो आपको रियर में इसमें मिल जाती है। उसके बाद देख पा रहे दोस्तों ये बाइक का जो है सीट स्प्लिट सीट नहीं है, ये सिंगल सीट आता है और फोम क्वालिटी सुपर है, काफ़ी कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। चलिए बात करते हैं इसके स्पीडोमीटर के बारे में। सबसे पहले आप की देख लीजिए, कुछ इस टाइप की आपको इसमें मिल जा रही है। बात करते हैं स्पीडोमीटर में। स्पीडोमीटर में बाइक में आपको एनालॉग विद डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है, हालांकि ज़्यादा चीज़ें एनालॉग है, कुछ चीज़ें ही डिजिटल मिलेगा, बट ठीक है काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख पा रही है इसका स्पीडोमीटर है, जिसे हम मेन स्पीडोमीटर कहते हैं, जो कि 200 है टॉप, लेकिन ये लगभग 170 तक चली जाती है। ये इसका आरपीएम मीटर है, यहाँ पे इंजन माल फंक्शन लाइट है, इंडिकेटर है, लो ऑयल इंडिकेटर है, लो बैटरी इंडिकेटर है। यहाँ पे आपका फ्यूल इंडिकेटर है, ओडोमीटर भी आपको मिल जाता है, जिसे आप ट्रिप 1 ट्रिप 2 के साथ चेंज कर सकते हो। ठीक है, स्विचेस में देख पा रहे हैं ये पासिस है इसका, ये लो भी आईडी टर्न सिंगल लैप है, ये हॉर्न है, यहाँ पे आपको एक इंजन के सी सेल्फ का स्विच मिलता है और हजार्ड का स्विच भी इसमें मिल जाता है। ये इसके मिरर है, मिरर क्वालिटी काफ़ी अच्छे है, आई थिंक टॉप मॉडल में ये क्रोम आते होंगे और ये नया कलर तो आप लोग देख ही पा रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, जहाँ तक मुझे पता है कि ये भाई OBD2 सेंसर नॉर्म्स के साथ में भी आ चुकी है, जिसे बहुत सारे लोग BS7 समझ रहे हैं, बट एक्चुअल में वो BS7 नहीं है भाई, वो नया नॉर्म्स है BS6 का। ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी सीट हेड के बारे में। तो सीट हेड काफ़ी कम है, 804 mm की सीट हेड है, मतलब आपके हेड अराउंड अगर 5.5 है उससे ऊपर तो आप इसे चला तो सकते हैं, पर यार थोड़ा वेट आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, और बाइक का जो वेट है वह 218 किलो का, भाई साहब एक सुपर बाइक का वेट होता है इतना। ठीक है, ओवरऑल हाइट है 1064 mm की, ओवरऑल लेंथ है 2119 mm की एंड ग्रॉस वेट व्हीकल वेट वह 400 kg के आसपास का। फ्यूल टैंक कैपेसिटी लगभग 13.5 लीटर के आसपास की आपको मिल जाती है। सो ये था दोस्तों ब्रांड न्यू रॉयल एनफील्ड के इंटरसेप्टर 650 का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।